सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी की स्पेशल ऑपरेशन डिवीज़न को लेके है। आप सभी को याद होगा सितंबर 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक स्पेशल ऑपरेशन डिवीज़न को सेटअप करने के लिए क्लियरेंस दिया गया था। इस पूरे यूनिट में 3000 बेहतरीन कमांडोज रहने वाले थे, जिनको कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की स्पेशल फोर्सेज से सिलेक्ट किया जाएगा और इस यूनिट को दुश्मन के एरिया में घुस के उनके ऊपर घातक हमला करने के लिए डिप्लॉय किया जाएगा। अभी मेजर जनरल ए के ढेंगरा जी को आर्म फोर्सेस की स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन की चीफ के तौर पर नियुक्त किया गया और इनके साथ ही एक कर्नल लेवल के रैंक के ऑफिसर को भी नियुक्त किया गया है। ओरिजिनली स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन को 2011 में नरेश चंद्र कमेटी के द्वारा सेटअप करने के लिए प्रस्ताव दिया गया था और उस वक्त इसे स्पेशल ऑपरेशन कमांड कहा जा रहा था, जो कि इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के अंदर रहकर काम करने वाली थी और इसे एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर लीड करने वाले थे। अगला अपडेट इंडियन वेपन मार्केट को लेके। पीटीआई में एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल के अंत तक भारत साउथ ईस्ट एशियन नेशन और गल्फ नेशन को पहली बार मिसाइल्स को एक्सपोर्ट करने वाला है। 2019 की इंडेक्स एशिया एग्जीबिशन के दौरान ब्रह्मोस एरोस्पेस के चीफ जनरल मैनेजर ने कहा है कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज अभी ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदना चाहते हैं और अभी इन मिसाइल को साउथ ईस्ट एशियन नेशन को सप्लाई करने के लिए वो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा गल्फ नेशंस की तरफ से भी इन मिसाइल्स को खरीदने के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है। इंडेक्स 2019 एग्जीबिशन के अवसर पर ब्रह्मोस एरोस्पेस और एलएनटी की तरफ से एक वाइड रेंज की डिफेंस इक्विपमेंट को डिस्प्ले किया गया है और इनको खरीदने के लिए अभी एशियन कंट्रीज की तरफ से इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है और अगर गवर्नमेंट की तरफ से क्लियरेंस मिलता है तो शायद इसी साल ब्रह्मोस मिसाइल को साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को और गल्फ कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। अगला अपडेट राफेल डील को लेके। आप सबको पता होगा कांग्रेस और बीजेपी के बीच राफेल डील को लेके शुरू से ही मतभेद चलता आ रहा है और कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि राफेल डील में बहुत बड़ा घोटाला किया गया है। वैसे कांग्रेस और बीजेपी आपस में ये जो भी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन अभी राहुल गांधी जी के द्वारा एक ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है जो कि हमारे डिफेंस सेक्टर को एक बहुत ही बड़ा झटका दे सकता है और इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ के ऊपर इसका डायरेक्ट असर पड़ सकता है। एक रिसेंट इंटरव्यू के दौरान राहुल गांधी जी ने मीडिया को बताया है कि अगर इस बार कांग्रेस सत्ता में आता है तो वो राफेल डील को कैंसिल करने वाले हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि उनको अभी राफेल डील के बारे में डिटेल में नहीं पता है और वो इस डील को कैंसिल करने से पहले इंडियन एयरफोर्स के साथ बातचीत करने वाले हैं। अब चौंकाने वाली बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी तक कई बार ये कहा जा चुका है कि राफेल जेट इंडियन एयरफोर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और ये जेट हमें क्यों चाहिए, लेकिन फिर भी राहुल गांधी जी इस डील को कैंसिल करने की बात कर रहे हैं। पॉलिटिक्स अपने जगह पर है, लेकिन अगर राफेल डील कैंसिल हो जाता है तो इंडियन एयरफोर्स के ऊपर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ने वाला है और अगर इसके बदले कांग्रेस सरकार की तरफ से टाइफून या फिर किसी और जेट को सिलेक्ट भी किया जाता है तब भी वो हमें मिलते मिलते कम से कम 5 साल और लगने वाले हैं। अगला अपडेट नए डिफेंस प्रोडक्शन फैसिलिटी को लेके। टाटा ग्रुप और एलएनटी एमबीडीएस जॉइंट वेंचर को साउथ इंडिया में एक एक प्रोडक्शन फैसिलिटी को अभी सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल दिया गया है। गवर्नमेंट की कॉमर्स डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया है कि टाटा एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को कोचीन में सेटअप करने के लिए क्लियरेंस दिया गया है और एलएनटी एमबीडीएस मिसाइल सिस्टम लिमिटेड को कोयम्बतूर में सेटअप करने के लिए क्लियरेंस दिया गया है। रीजनल डेवलपमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इन दोनों फैसिलिटी को कोचीन और कोयम्बतूर की स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बनाने का फैसला किया गया है। अगला अपडेट चंद्रयान मिशन को लेके है। इसरो के द्वारा अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर बताए गए एक अपडेट के मुताबिक आज से करीब 2 महीनों के बाद चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया जाने वाला है, जिसमें 13 इंडियन पेलोड्स रहने वाले हैं और साथ ही इसमें एक पैसिव एक्सपेरिमेंट पेलोड भी रहने वाली है जो कि नासा की तरफ से है। फर्स्ट मे को इसरो के द्वारा दिए गए अपडेट के मुताबिक चंद्रयान 2 को मिड जुलाई में लॉन्च किया जाएगा और ये सितंबर 6 को चांद की सतह पर लैंड करने वाली है। इसी अपडेट में ये भी बताया गया था कि चंद्रयान मिशन में इस्तेमाल होने वाले लैंडर, रोवर, ऑर्बिटर को कम्प्लीटली स्वदेशी तरीके से डिजाइन और डेवलप किया गया है। अभी इसरो की तरफ से बताया गया कि इस मिशन को 6 से 16 जुलाई के अंदर GSLV Mark 3 की मदद से लॉन्च किया जाएगा। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है।
डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अभी 10 कामोव के 31 हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए अप्रूवल दिया गया है और इसके लिए अभी रशिया से बातचीत किया जा रहा है। आने वाले कुछ सालों में इंडियन नेवी में कुछ मेजर वॉरशिप्स भी इंडक्ट होने वाले हैं जिससे इन हेलीकॉप्टर को ऑपरेट किया जा सकता है। इसे हमारे फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत से भी ऑपरेट किया जा सकता है। K-31 एक तरह की एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम है जिसे कॉस्ट इफेक्टिव वे में इस्तेमाल किया जाता है। अभी हमारे फोर्सेस में जो भी K-31 हेलीकॉप्टर शामिल होने वाले हैं उनमें इंडियन मेड सारंग इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम का इस्तेमाल होने वाला है जो कि 360 डिग्री तक का कवरेज दे सकता है। ओरिजिनली इसमें E-801 एयरबोर्न रडार लगा हुआ है जो कि एक साथ 200 टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है और ये एक साथ सरफेस और एरियल टारगेट को भी डिटेक्ट कर सकता है। स्मॉल एरियल टारगेट्स को ये करीब 150 किलोमीटर की दूर से और सरफेस टारगेट को ये 250 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट कर सकता है। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और कमेंट कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।